हेलो एवरीवन, मायसेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज 10.5 क्लास 9th, और आपका जो टॉपिक है वो आपका सर्कल। इन फिगर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड फाइंड एंगल दिस। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें लिखा है कि यदि आपका ए बी, इसके निकालने के बाद ए बी और बी सी आपके दोनों इक्वल हैं तो मुझे डी सी ए की वैल्यू निकालनी है एंगल की। तो अब देखो, इसमें मेरे को सेंटर गिवन नहीं है तो मैं सेंटर से रिलेटेड कोई भी थ्योरम इसमें अप्लाई नहीं करूंगा, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट या अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो मुझे इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए ये पूरा एंगल होना चाहिए। तो देखो, 70 मेरा डी सी आर्क का एंगल है, तो अब DC का एंगल है तो ये मेरा एंगल इसी आर्क का है, तो इसका मतलब आपका जो एंगल DAC दैट विल बी इक्वल टू एंगल DBC, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। ये आपका एंगल ऑफ से, तो आपका एंगल DAC दैट विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपका एंगल DAB हो जाएगा, पूरा एंगल DAB दोनों आप ऐड कर दोगे तो 70 + 30 मींस दैट विल बी 100 डिग्री। अब आपका ए बी सी डी दिस क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी साइक्लिक, तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स दैट विल बी सप्लीमेंट्री, तो मतलब दोनों सप्लीमेंट्री होंगे इसलिए मैंने 180 लिख दिया है। तो डी ए बी ये मुझे मिल गया यहाँ से, तो 100 डिग्री है, और प्लस ये एंगल डी सी बी मुझे फाइंड आउट करना है, that will be equal to 180 degree, so angle DCB that will be 80 degree। तो ये आपका 80 degree इस पार्ट का आंसर है। अब सेकेंड पार्ट कहता है इफ ए बी एंड बी सी बोथ आर इक्वल। तो देखो, आपका जब ए बी और बी सी ये दोनों साइड आपकी इक्वल हैं मीन्स दिस ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, और जब ये एंगल 30 है इट मीन्स तो आपका ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, दियर फोर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये आपका 30। अब देखो, आपका पूरा कितना निकला था, तो एंगल आपका डी सी बी That will be equal to, ये आपने find out किया हुआ है 80 degree, और डी सी बी को आप लिख सकते हो एंगल डी सी ए और प्लस एंगल ए सी बी, प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 80 degree, और ये आपने अभी फाइंड आउट किया है ए सी बी दैट इज 30, तो एंगल डी सी ए प्लस 30 इज इक्वल टू 80 एंड एंगल डी सी बी डी सी ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एक आपका ये इसका आंसर ये होगा और एक आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है वो आपका है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर देन प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो अब देखो, मैंने यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया है और उसके जो डायगोनल्स हैं दीज आर द डायमीटर्स। तो मैंने देखो दो डायमीटर बना लिए, ये आपका डायमीटर है, एक आपका ये डायमीटर है। अब इनसे जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनेगा वो आपका, अब डायमीटर आपका सेंटर से पास होते हैं सभी कॉर्ड जो हैं, तो ये आपका डायमीटर है, ये सेंटर होगा आपका ओ। अब इसमें वो कह रहा है कि इट इज़ द रेक्टेंगल, तो कभी भी आपने रेक्टेंगल को प्रूव करना है तो उस क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल को आप 90 प्रूव कर दो। तो अब देखो, ये मेरा डायमीटर है, तो डायमीटर के एंड से मैंने इसकी नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी डी, तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ऐसे ही एंगल डी सी ए दैट डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम आपका इधर से हम डायगोनल देख रहे हैं तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इन सब का जो रीजन होगा एंगल इन सेमी सर्कल आर, एंगल इन सेमी सर्कल आर इक्वल। तो अब इसमें देखो क्यों सेमी सर्कल है, क्योंकि देखो डायमीटर है, ये डायमीटर के एंड से एंगल फॉर्म हो रहा है,
ये डायमीटर, इधर भी एंगल फॉर्म हो रहा है, ये डायमीटर के एंड से हो रहा है, ये भी डायमीटर, इट मीन्स ईच विल बी 90. तो और कोई भी क्वाड्रेटर हो जिसमें ईच एंगल इज 90, देयर फोर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. तो ये आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब उसने बोला है कि एनी ट्रेपीजियम इफ अ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज द साइक्लिक. और इसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी बोलते हैं. आइसोसेलेस में आपकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं. तो अब देखो मुझे साइक्लिक प्रूव करना है, तो फॉर साइक्लिक क्या करना पड़ेगा, अपोजिट एंगल का सम मुझे 180 प्रूव करना है. तो मैंने ए बी सी डी लिया है और इन विच ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ये आपको गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी. नेक्स्ट आपने क्या है कि इसमें मुझे अपोजिट एंगल, देखो अब यहाँ पर तो सर्कल नहीं है, मुझे साइक्लिक प्रूव करना है, तो इसमें तो कुछ भी, अब मैं क्या करूँगा इसमें से कि मुझे ये साइड इक्वल है, तो मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है. तो आपका यहाँ ड्रॉ बी ई इज अ पैरेलल टू ए डी, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है. अब पैरेलल टू ए डी है, तो आपका देखो ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है और ये ट्रेपीजियम में आपकी दोनों लाइन पैरेलल हैं. इट मीन्स आपका ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेलोग्राम हो गया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसलिए आपका पैरेलोग्राम हो गया. अब पैरेलोग्राम की प्रॉपर्टी से मैं देखो नंबरिंग करता हूँ, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर. तो इससे मैं कह सकता हूं कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड ए डी इज इक्वल टू बी ई, यहां आपकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल और ऊपर आपका है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये आप कंप्लीट लिख लोगे इसको, ये आपका दोनों का रीजन है. अब देखो ए डी और बी ई इक्वल है और उसने मेरे को दिया है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपको गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, देयरफोर आपका बी सी इज इक्वल टू बी ई. अब बी सी इज इक्वल टू आपका ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगी, इट मीन्स ये जो ट्राइंगल होगा, तो आप देयर फोर में यहां लिखता हूं ट्राइंगल बी ई सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देयर फोर एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो आपका यहां से ये फॉर्म हो गया थ्री और फोर. अब देखो यहां से मैं देखता हूं कि मैं अकॉर्डिंग टू दिस एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये आपके लीनियर पेयर हैं. ये पूरा लिखोगे, ये शॉर्ट नेम चलता नहीं इसमें, तो यहां आप लीनियर पेयर. अब एंगल वन आपने देखो किसके इक्वल प्रूव किया हुआ, यहां पर टू के इक्वल, इट मीन्स यू राइट, यू कैन राइट हियर टू. और एंगल थ्री आपने किसके इक्वल किया, फोर, तो यहां पर एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में टू और फोर का सम 180 आता है, तो मींस एंगल ए लिख सकते हो, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयर फोर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम. अब आपके जो लास्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.